Hello students, in this video you will be getting to know about the parts of large intestine. So let's begin with it. So first of all, what are the components of large intestine? The large intestine is composed of several very distinctive parts, and these parts are first of all caecum. So first of all, the first part of the large intestine is caecum. Second part is colon, and colon is further divided into four parts. What are they? So first of all, ascending colon, then transverse colon, then descending colon, and in last sigmoid colon. और ये सारे के सारे colon एक सीरीज में इसी तरीके से ओरिएंटेड होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले वाला होता है वो असेंडिंग होता है, फिर उसके बाद में ट्रांसवर्स आता है, फिर डिसेंडिंग आता है, फिर एस शेप का होता है सिग्मोइड कोलोन. नेक्स्ट पार्ट इज रेक्टम. सो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, और वो तीन पार्ट्स हैं कैकम, कोलोन एंड रेक्टम. सो first of all, in this image we will see this is part is caecum. जो part small intestine से आके जुड़ता है, small intestine का part, वो part large intestine का कहलाया जाता है caecum. उसके बाद में ये पहला part जो शुरुआत हो रही जहाँ से, वो है ascending colon. फिर ये वाला है transverse colon. फिर ये जो नीचे को आता है part, उसे कहते हैं descending colon. और यही है कोलोन के पार्ट्स. ये कोलोन, इसको भी कोलोन कहते हैं, इसको भी कोलोन कहते हैं. ये जो एस शेप में बनता है इसे कहते हैं सिग्मोइड कोलोन. और लास्ट में आता है थर्ड पार्ट रेक्टम. सो तीन पार्ट्स हैं कैकम, कोलोन एंड रेक्टम. सो लेट अस मूव ऑन. फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज कैकम. सो in this image, this portion is the caecum portion, and this is the appendix, vermiform appendix. The function of this appendix and all parts we will discuss in this in next video. So in this video we will discuss only about the parts and their portion, position and their length. Or so first of all, caecum. Caecum, this is the first section of your large intestine. So ये पहला section होता है आपके large intestine का, जहाँ से large intestine शुरू होती है. Second is look likes a pouch. तो अगर आप देखोगे इसको diagrammatically, तो एक pouch की तरह दिखता है. 2 inches long इसकी जो length है, लंबाई है, वो केवल 2 inch की होती है. उसके बाद में colon शुरू हो जाता है. इसका role क्या है यहाँ पे? टेकिंग इन डाइजेस्टेड लिक्विड. तो यहाँ से जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिख रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे एंटर होती है, ये सारा का सारा डाइजेस्टेड लिक्विड जो होगा वो अपने अंदर लेता है. सेकेंड, कहाँ से लेता है? फ्रॉम द इलियम. और ये आएगा कहाँ से? जो लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसे कहते हैं इलियम. तो इलियम से ही सारा का सारा लिक्विड लेता है. नेक्स्ट इज पासेज इट ऑन टू द कॉलम. और यहाँ से इसका फंक्शन बेसिकली फिर क्या हुआ, इसने क्या किया, यहाँ से इलियम से डाइजेस्टेड लिक्विड लिया और उसके बाद में पास आउट कर दिया कोलोन की तरफ. सो ये था कैकम का स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज कोलोन. कोलोन क्या होता है? मेजर सेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. सो इट इज द मेजर सेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. फंक्शन क्या होगा इसका? प्रिंसिपल प्लेस फॉर वाटर रीअब्सॉर्प्शन. तो कोलोन जो हमारे चार पार्ट में डिवाइडेड होता है कोलोन, उसका काम क्या है? एक तो मेजर सेक्शन है ये, और दूसरा फंक्शन उसका आता है कि प्रिंसिपल प्लेस फॉर वाटर रीअब्सॉर्प्शन. तो जो वाटर हमारा डाइजेस्टिव लिक्विड्स में रह गया है, बच गया है, उस वाटर को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, उस वाटर को बॉडी रीअब्सॉर्ब करती है. और वो रीअब्सॉर्प्शन कोलोन में होता है. एब्जॉर्ब सॉल्ट्स व्हेन नीडेड. तो उस डाइजेस्टिव लिक्विड के अंदर अगर कोई सॉल्ट, तो वो सॉल्ट भी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है जब भी उसकी नेसेसिटी होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल,
लेट्स बिगिन विद द असेंडिंग कोलोन. असेंडिंग कोलोन क्या है? ये रीजन स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट है असेंडिंग कोलोन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पोर्शन ऑफ द कोलोन, पहला पोर्शन होता है कोलोन का. नेक्स्ट इज पुशेस एनी अनडाइजेस्टेड डेब्रीज अप फ्रॉम द केकम. तो जो इसने केकम पार्ट से, इस पार्ट से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड जो बच गया था, उस फूड को ये, उस डेब्रीज को, उस पार्ट्स को ही, ये बोल रहा बच्चा को चखाना को डेब्रीज बोलते हैं, तो उस डेब्रीज को ये केकम से अप ट्रांसपोर्ट करेगा और कहाँ भेज देगा उसको, ट्रांसवर्स कोलोन जस्ट अंडर द राइट लोअर एंड ऑफ द लीवर. और ये होता कहाँ पे? जस्ट जो ये लीवर है इसका जो ये लेफ्ट पोर्शन होता है और ये राइट पोर्शन होता है, और राइट पोर्शन के जस्ट बिलो आया जाता है हमें क्या, असेंडिंग कोलोन. नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स कोलोन. ट्रांसवर्स कोलोन क्या होता है? जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है डायग्राम में लार्ज इंटेस्टाइन का, ये पोर्शन ट्रांसवर्स कोलोन कहलाया जाता है. द सेकेंड पोर्शन ऑफ द कोलोन हियर फूड ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड. फूड इज ट्रैवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड एंड द पोजिशन ऑफ दिस ट्रांसवर्स कोलोन इज जस्ट बिलो द स्टमक. यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ फूड जाता है इस कोलोन में. सो नेक्स्ट इज डिसेंडिंग कोलोन. ट्रांसवर्स कोलोन के बाद डिसेंडिंग कोलोन आता है. डिसेंडिंग कोलोन में क्या क्या होता है? थर्ड पोर्शन ऑफ द कोलोन है ये. पुशेस इट्स कंटेंट फ्रॉम डाउन टू द लोअर लेफ्ट ऑफ द योर एब्डोमेन. तो ये फंक्शन और प्रोसेस कैसे करता है? जो आपका जो फूड है, उस अनडाइजेस्टेड फूड है, उस अनडाइजेस्टेड फूड को ये डाउन टू द स्टमक एब्डोमेन कैविटी को पुश ऑन करता है. तो ये ऊपर से नीचे की तरफ उस अनडाइजेस्टेड फूड को पहुंचाता है. नेक्स्ट इज सिग्मोइड कोलोन. ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये सिग्मोइड कोलोन है. सिर्फ इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पोर्शन है हमारा सिग्मोइड कोलोन. यहाँ पे क्या होता है? दिस इज द फाइनल कोलोन पार्ट. नेक्स्ट इज इट इज एस शेप्ड इन लेंथ ऑफ द कोलोन. तो ये जो एस शेप्ड में है इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया? सिग्मोइड कोलोन. सो एस शेप्ड इस कोलोन को सिग्मोइड कोलोन कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्टीज इनटू रेक्टम. तो ये अपना जितना भी इसके अंदर सिक्रीशन है वो सारे के सारे ये अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम के अंदर एम्प्टी कर देता है. और रेक्टम पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन. ये वाले पोर्शन के अंदर अपना तो अनडाइजेस्टेड फूड की डेब्रीज को ये इस रेक्टम पोर्शन के अंदर एम्प्टी कर देता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कोलोन पार्ट. सो नेक्स्ट इज अबाउट रेक्टम. तो रेक्टम पोर्शन कौन सा है? ये वाला रेक्टम पोर्शन है. और ये जो लास्ट एंड पॉइंट होता है, एग्जिट पॉइंट को हम बोलते हैं एनस. तो एनस और रेक्टम के अंदर कंफ्यूज मत होना, ये पोर्शन क्या कहलाता है? रेक्टम. सो द फाइनल सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज रेक्टम. मेजर्स फ्रॉम 1 to 1.6 inches. तो ये लगभग इसके जो साइज होता है वो हार्ड टू हार्ड 1 inch या लगभग 2 inch का होता है, और से 2.5 to 4 centimeter ही इसकी लेंथ होती है. तो सबसे कभी पूछा जाए कंपटीशन में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, तो वो है रेक्टम. सो नेक्स्ट लेफ्ट ओवर वेस्ट कलेक्ट्स देयर. तो जितना भी लेफ्ट ओवर वेस्ट है सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन में से निकल के कलेक्ट हो जाता है इस रेक्टम पोर्शन के अंदर एंड एक्सपेंडिंग द रेक्टम. तो सारा यहाँ पे कलेक्ट हो जाने के बाद में ये रेक्टम क्या हो जाता है? थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है. तो जब नेचुरल सी बात है सारा का सारा वेस्ट मेटल जब यहाँ पहुँचेगा तो वो एक्सपेंड हो जाता है. सो दैट्स ऑल. नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्टीड थ्रू एनस. सो जब यहाँ पे ये कलेक्ट हो जाएगा, उस कलेक्ट हो जाने के बाद में सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल है फिर वो एग्जिट पॉइंट से, जिसे हम एनस बोलते हैं, इसके थ्रू एग्जिट आउट हो जाता है.
तो ये था हमारा रेक्टम. सो दिस ऑल दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. सो इस टॉपिक को दोबारा से देखें, बहुत सिंपल टॉपिक है, बट इसको छोड़े नहीं, दोबारा से देखें और अच्छे से प्रिपेयर करें, बार बार चला के देखें इस वीडियो को. और एंड में जाते हुए इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू गाइस.